नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने हमारे सांसद दिग्विजय सिंह जी को के एक सवाल में जवाब दिया और उन्होंने ये सूचना दी कि एनआईए को ये बरामदगियों का जो केस है वो सौंप दिया गया, दो बरामदगियों का केस। ये वो जवाब है, मैं आपको संलग्न कर रहा हूं। ये हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को एनआईए को सौंपा गया। आज हम 2022 की मई में हैं, क्या हुआ, क्या फाइंडिंग्स हैं एनआईए की? ये जरूरी है हमारा सबका, यह जानकारी हमें मिलना। ये एक और खबर जो आई थी जब हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया था, ये अक्टूबर 2021 की खबर है कि अडानी पोर्ट कह रहा है कि अब वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कार्गो नहीं लेंगे। सितंबर 2021 में आपने ये कहा अक्टूबर में, और कल ईरान से एक बड़ी बरामदगी हुई। तो ये ईरान से आना बंद हुआ या नहीं मुंद्रा पोर्ट पे, हम यह जानना चाहते हैं। आपने घोषणा की थी कि अब ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आप कोई सामान नहीं आने देंगे पोर्ट पर, तो अब वो कैसे आया? 7 महीने हो गए आपकी इस घोषणा को, 7 महीने बाद ईरान से ये सामान कैसे आया? 52 किलो कोकीन कैसे पकड़ा गया? हमारा ये सवाल है आपसे। 27-28 साल से सरकार वहां आपकी है, 8 साल से सरकार यहां आपकी है, आपके नाक के नीचे गुजरात गेटवे ऑफ ड्रग्स क्यों बन रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप दोनों चुप क्यों हैं इस मसले पर? सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने वो कहा, प्रधानमंत्री इस पर कब कुछ कहेंगे? ड्रग्स का व्यापार ऐसा नहीं होता कि हम तीन जो यहां बैठे हैं कर लेंगे, छोटा सा व्यापार, ऐसा नहीं होता। इस व्यापार का एक सिंडिकेट होता है, उस सिंडिकेट की तारें पूरे दुनिया में जुड़ी होती हैं और उस सिंडिकेट को वरदहस्त, राजनीतिक वरदहस्त अवश्य प्राप्त होता है, उसके बगैर वो सिंडिकेट जीवित नहीं रह सकता। तो हम यह जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ड्रग्स के इस सिंडिकेट का एल चापो कौन है, पैब्लो एस्कोबार कौन है, नाम बताएं उसका, और इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई है, क्या नीति आपकी है, वह भी स्पष्ट करें।